हो नवज जो देखी वैद्य ने, नवज जो देखी वैद्य ने, हो नवज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया कि नवज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया और बीमारी का क्या लिखा और बीमारी का नाम उसने सांवरे का प्यार लिख दिया। मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पे, मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पे जिसने दवा का नाम मेरे शाम का दीदार लिख दिया। तो इसीलिए ये भी प्रेम का भूखा और हम भी प्रेम के भूखे। आज इस परिवार में बाबा आए हैं, यहाँ से कितने प्रेमी हैं जो बाबा को ले जाना चाहते हैं कि बाबा जैसे आप इनके घर विराजमान हुए हो अगली बार हमारे घर भी आना। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों बोलो आते रहा करो। देखो एक बात कहती हूँ, अगर ले जाना चाहते हो तो गाओगे और अगर नहीं ले जाना चाहते तो बिल्कुल मेरे कहने से क्या, अगर यहाँ 10 करोड़ पब्लिक आ जाएगी ना तब भी नहीं गाओगे। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, हो दर्शन को नैन बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन गाओ। अरे ऐसी बुलंद आवाज में गाओ कि ठाकुर को पता लग जाए कि उसके प्रेमी बैठे हैं। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, वाओ भक्तों। अरे गालो भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, कितने बुलाना चाहते हो जितने बुलाना चाहते हो उतने लंबे लंबे हाथ उठा के 1 2 3 4 भक्तों के घर भी सांवरे
श्री रामचंद्र जी ने बोला कि हे लक्ष्मण मुझे आज मत रोकना। क्यों? क्योंकि इतने वर्ष वन में बिताने के बाद, वन में घूमने के बाद मुझे पहली बार लगा है कि कौशल्या माँ अपने हाथों से खिला रही।
जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। दरअसल ये तो चमन बस प्रेम की बात थी। किसकी बात थी? प्रेम की। कैसे? द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, अपने पर विश्वास, एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बुला रही है कि आ जाओ, कब आओगे, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास था। नहीं आई। क्यों नहीं आई? जैसी दोनों बाहें फैलाई कि आ जाओ, अब तो मेरी लाज तुम्हारे हाथ है काना, वो वैसे ही दौड़ते दौड़ते आगे बोले सच्चे दरबार की। तो बजाओ ताली। कहते हैं प्रेम से प्रभु चिल के भी खाते, कहते हैं प्रेम से प्रभु चिल के भी खाते, कहते हैं प्रेम से प्रभु चिल के भी खाते, कहते हैं। बोलो बोलो। तंदुल सुदा मया के सहारे की।